सो हे व्हाट्सएप गाइस, कैसा आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A52 डिवाइस के बारे में, और इसके लिए फाइनली इंडिया में One UI 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है, वो यहाँ पर रोल आउट होने स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आप लोग इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी A52 डिवाइस यहाँ पर यूज करते हो सो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी यहाँ पर लाइक नहीं किया सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक। आज तो यार अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ है, इस बात पे आप लोग वीडियो को लाइक तो कर सकते हो, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है ना वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए चलते मेरी फोन स्क्रीन पे। यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों से बात करूँ फर्स्ट फीचर के बारे में, जो कि आपको One UI 4.0 के अपडेट के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक भी सैमसंग One UI अपडेट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले न्यूज है ना वो देखने को मिल गई थी कि गैलेक्सी A52 जो डिवाइस है ना इसके लिए अपडेट ना वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं फर्स्ट फीचर के बारे में, जो कि आपको One UI 4.0 के अपडेट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपको कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। सो कंट्रोल सेंटर है उसको अगर आप लोग यहाँ पर स्वाइप करोगे सो उसका जो लेआउट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को जो ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को मिलता है इसकी स्टाइल है ना वो यहाँ पर कंप्लीटली चेंज कर दी गई है सैमसंग की ओर से, और बाकी आप लोगों को कोई चेंजेस है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन शेड के अंदर ओनली आप लोगों को ब्राइटनेस स्लाइडर है इसकी जो स्टाइल है ना वो यहाँ पर चेंज की गई है सैमसंग की ओर से, और इसके अंदर जो आपको स्मूथनेस देखने को मिलती है वो पहले से और भी ज्यादा आपको कमाल की यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो ये वाला आप लोगों को फर्स्ट चेंज है ना वो यहाँ पर मिल जाता है One UI 4.0 के अपडेट के अंदर। अब बात कर लेते हैं सेकेंड फीचर के बारे में, तो उसके लिए आप लोगों को अपनी सेटिंग एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन करनी होगी। ओपन करने के बाद में गाइस आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर इसका भी जो लेआउट है ना वो पर कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं वहां पर मिल जाते हैं, जैसे कि 4-4 की आप लोगों को कैटेगरी है ना वहां पर मिल जाएगी विद मटेरियल यू डिजाइन। अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक कमाल के फीचर के बारे में तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर। तो बैटरी एंड डिवाइस केयर है इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में गाइस आप लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इसका लेआउट है ना वहां पर कंप्लीटली चेंज देखने को मिलता है, जहां पर आप लोगों को ऊपर इमोजी है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है, हंसने वाला इमोजी मिलता है, क्योंकि अभी फोन की जो परफॉर्मेंस है ना वो यहाँ पर अच्छी है और कोई भी इश्यू है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर फोन के अंदर कुछ भी यहाँ पर इश्यू होता, कोई बैटरी ड्रेन ज्यादा करता कोई भी ऐप, तो आप लोगों को यहाँ पर जो खराब वाला इमोजी है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाता, आप लोग समझ सकते हो। वहीं गाइस मैं आप लोगों से बात करूं इस अपडेट के अंदर आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का फीचर है ना वो यहाँ पर मिल जाता है बैटरी के अंदर। तो बैटरी को ओपन कर लेते हैं, सबसे नीचे चले आना है और मोड बैटरी सेटिंग का आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को प्रोटेक्ट बैटरी का एक कमाल का ऑप्शन है ना वो यहाँ पर सैमसंग की ओर से ऐड किया गया है, और आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख तो प्रोटेक्ट बैटरी मतलब कि अगर आप लोग इस ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर दोगे सो आपके फोन की बैटरी है ना वहाँ पर 85% तक ही चार्ज होगी, इससे ज्यादा यहाँ पर चार्ज नहीं होगी। सो अगर आप लोग अपने फोन को नाइट में यहाँ पर यूज करते हो, ज्यादा यहाँ पर चार्ज लगा दे तो वो सुबह तक चार्ज लगा रहता है, तो उन लोगों के लिए ये वाला फीचर है ना वहां पर सैमसंग की ओर से ऐड किया गया है इस अपडेट के अंदर। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद में 85% तक की आप लोगों के फोन की बैटरी है ना वहां पर चार्ज होगी। तो ये वाला एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि सैमसंग की ओर से ऐड किया गया है इस अपडेट के अंदर। अब मैं आप लोगों से बात करूं बैटरी ग्राफ के बारे में, तो इसको यहां पर एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में इसके अंदर आप लोगों को जो डिटेलिंग देखने को मिलती है, डिटेल देखने को मिलती है वो यहां पर बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। यहां पर कौन से ऐप ने आपकी कौन सी बैटरी को ज्यादा यहाँ पर ड्रेन किया है पूरी हिस्ट्री है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 24 आवर तक, और लास्ट 27 डेज के अंदर आप लोगों को 7 डेज की आप लोगों को एक जो हिस्ट्री है ना वो यहाँ पर मिल जाएगी कि कौन कौन सी ऐप ने आपकी बैटरी है ना वो कुछ यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर यूज किया है। तो इसको आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, और ब्लू वाला जो सैंपल है ना वो तो आपको मिलता है बैटरी यूज का, और ग्रीन वाला मतलब कि कब कब आप लोगों ने अपने फोन को यहाँ पर चार्ज किया है तो वो वाला भी आप लोगों को ऑप्शन है ना वो यहाँ पर मिल जाता है, जो कि एक कमाल
की बात है। अब गाइज यहाँ पर आप लोगों को जो ऊपर ग्रीन कलर की लाइन है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका भी जो कलर है ना वो यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर है वो यहाँ पर सैमसंग की ओर से एड कर दिए गए, जो कि एक कमाल की बात है। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं एक और कमाल के फीचर के बारे में जो कि आपको मिल जाता है रैम प्लस का, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेमोरी वाला ऑप्शन है उसको यहाँ पर ऑन करना होगा। और ऑन करने के बाद में आप लोग यहाँ पर जैसे दोस्तों फाइनली गैलेक्सी A52 जो डिवाइस है ना इसके अंदर आपको रैम प्लस का फीचर है वो यहाँ पर सैमसंग की ओर से एड कर दिए गए, जो कि 4GB का है। अगर आप लोगों की डिवाइस की रैम है ना वो यहाँ पर 8GB है तो उसके अंदर आप लोग 4GB है वो यहाँ पर एड कर दीजिए। सो 12GB की आप लोगों की फोन की टोटल रैम है ना वो यहाँ पर हो जाएगी। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो आपका फोन है ना वहाँ पर कितना ज्यादा स्मूथ होने वाला है इस अपडेट को कंप्लीट करने के बाद में। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं रैम प्लस का फीचर है ना वहाँ पर वर्क कैसे करता है, मतलब कि क्या कोई यहाँ पर ऑप्शन है इसको ऑन करने का या फिर ऐसे ही है। तो आप लोगों को कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है, बस आप लोगों को अपडेट है उसको यहां पर कंप्लीट कर लेना है, अपने आप से ये वाला ऑप्शन है ना वहां पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा और ऊपर आप लोगों को रैम प्लस की जो ब्रांडिंग है ना वहां पर मिल जाएगी। योर इंटरनल स्टोरेज कैन बी यूज्ड एज वर्चुअल मेमोरी टू इंप्रूव ए परफॉर्मेंस, तो ये वाला भी आप लोगों को स्टेटमेंट है ना वो यहां पर देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आप लोगों को ब्लू कलर का जो यहां पर यूज किया गया है सैमसंग की ओर से, और बैटरी के अंदर ग्रीन कलर के जो यहां पर कलर है ना वो यहां पर यूज किए गए हैं, और जो मेमोरी है इसके अंदर आप लोगों को डार्क ब्लू कलर है ना वो यहां पर ऐड किया गए। तो आप लोग समझ सकते हो कलर कॉम्बिनेशन है ना वहां पर बहुत ही कमाल का मिलता है, ग्रीन लाइट ग्रीन और ब्लू कलर। और गाइस आप लोगों को यहां पर जो डिवाइस प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है इसका भी जो लेआउट है ना वहां पर सैमसंग की ओर से चेंज कर दिया गया इस अपडेट के अंदर, जो कि आप लोग देखते हो बहुत ही कमाल का है। और डायरेक्टली आप लोग अपने फोन को यहां से स्कैन कर सकते हो, आपके फोन के अंदर कोई भी आप लोगों को वायरस है ना वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये पावर्ड बाय मैकेफी है जो कि एक कमाल का सॉफ्टवेयर है। अब गाइस मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर अपडेट और डायग्नोस्टिक का ऑप्शन है ना वहां पर मिल जाता है, मतलब कि आप लोग अपने फोन का चेकअप है ना वहां पर कर सकते हो। डायरेक्टली आप लोग वन क्लिक से सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन है ना उसको यहां पर ओपन कर सकते हो, तो ये वाला आप लोगों को एक चेंज है ना वहां पर मिल जाता है इस अपडेट के अंदर। अब मैं आप लोगों से बात करूं सेकंड चेंज के बारे में, तो उसके लिए आप लोगों को माई फाइल्स है उसको यहां पर ओपन करना होगा। और यहां पर आप लोग जैसा कि देखते हो इसका जो लेआउट है ना वो यहां पर सैमसंग की ओर से चेंज कर दिया गया, जो कि एक कमाल की बात है। आप लोगों को इमेज वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट डाउनलोड और इंस्टॉल फाइल इनके जो लोगो देखने को मिलते हैं ना वो यहाँ पर चेंज देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इसको यहाँ पर कंपेयर करोगे वन यूआई 3.0 एंड्रॉइड 11 के अपडेट से और एसडी कार्ड के अंदर जाओगे तो भी आप लोगों को यहाँ पर इनके जो फोल्डर के जो लोगो है ना वो यहाँ पर आप लोगों को चेंज देखने को मिलेंगे। तो ये वाला सैमसंग की ओर से एक बहुत ही बड़ा चेंज है ना वो यहाँ पर किया गया है माई फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर। अब आप लोग जैसा कि देखते हो कंट्रोल सेंटर है ना इसके अंदर मैंने आप लोगों को यहां पर जो कलर है ना वो यहाँ पर चेंज करके रखे हैं। पहले आप लोगों को ब्लू कलर है वो यहाँ पर मिलता था, लेकिन अभी मैंने अपने डिवाइस के अंदर जो यहाँ पर लाइट पर्पल कलर है ना वो आप लोग समझ सकते हो वो मैंने यहाँ पर सेट करके रखा है। सो वो मैंने यहाँ पर कैसे सेट किया है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो गाइस आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्वाइप करना है, स्वाइप करने के बाद में आप लोगों को वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप लोगों को कलर पैलेट का एक ऑप्शन है ना वहां पर मिल जाता है, तो उस पर आप लोगों को प्रेस कर देना है। अब पहले तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो कलर है ना वो यहाँ पर मिलता था व्हाइट प्लस ब्लू, लेकिन आप लोग इनके जो कलर है ना वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो कि एक एंड्रॉइड 12 का आप लोगों को फीचर है ना वो यहाँ पर मिलता है वन यूआई 4.0 के अपडेट के अंदर। और भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन है ना वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये कंट्रोल सेंटर के अंदर सेट होगा, फोन डायलर है उसके अंदर सेट होगा, और आप लोगों की जो सेटिंग एप्लीकेशन है ना उसके अंदर भी सेट होगा, और भी सैमसंग की बहुत सारी एप्लीकेशन है उसके अंदर कलर है ना वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे कि डिफॉल्ट वाला कलर है ना उसको मैं पर एक बार चूज कर लेता हूं। सो आप लोग यहां पर जैसा कि गाइस देख सकते हो बैक आना है, बैक आने के बाद में आप लोगों का जो कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर आप लोगों को जो कलर है ना वो यहां पर मिल जाएगा व्हाइट प्लस ब्लू। तो अभी थोड़ा सा हैंग कर रहा है। सो गाइज आप लोग यहाँ पर जैसा देखते हो व्हाइट प्लस ब्लू का आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग जाते हो फोन डायलर के अंदर सो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। कैलकुलेटर के अंदर जाते हो तो यहाँ पर भी आपको व्हाइट प्लस ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन है ना वहां पर मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप लोग वापस से जाते हो वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर, कलर पैलेट के अंदर जाते हो, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी यहाँ पर कलर पसंद है उसको आप लोगों को चूज कर लेना है और डन कर देना है। डन करने के बाद में वापस से आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल सेंटर है, इसका जो कलर है ना वो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर चेंज हो चुका है। ओनली यहाँ पर ये 30 सेकंड से भी कम का टाइम लेगा। तो आप लोग देख सकते हो ब्लू प्लस पर्पल का आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग जाते हो फोन डायलर के अंदर तो यहाँ पर भी आपको पर्पल कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वहाँ पर मिल जाएगा। किसी को कॉल करना है और उसके बाद में कट करना है और यहाँ पर भी आपको पर्पल कलर है ना वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि एक कमाल की बात है। सो इससे आप लोग समझ सकते हो आपके फोन का जो यहाँ पर कलर है ना वहाँ पर पूरा चेंज होने वाला है। इसके अंदर भी आपको जो कलर है ना वो कुछ इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग जाते हो कैलकुलेटर एप्लीकेशन के अंदर तो यहाँ पर पर्पल प्लस ग्रीन लाइट जो ग्रीन है ना उसके जो कलर है ना वो यहाँ पर सेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये वाला फीचर है ना वो यहाँ पर वर्क करता है। क्लॉक एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी आप लोगों को इसी तरीके के जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपके डिवाइस के अंदर। तो इस तरीके से ये वाला फीचर है ना वो यहाँ पर वर्क करता है सैमसंग के वन यूआई 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के अपडेट के अंदर। अब मैं आप लोगों से बात करूं कुछ और फीचर के बारे में जो कि यहाँ पर ऐड किए गए हैं इस अपडेट के अंदर। सो आप लोगों को सेटिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी वाले के अंदर। तो इसका जो लेआउट है ना वो तो यहाँ पर सेम ही मिलता है, लेकिन इनकी कैटेगरी है ना वो यहाँ पर 3-3 पार्ट के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। अगर आप लोग जाते हो प्राइवेसी के अंदर तो यहाँ पर सैमसंग की ओर से सबसे कमाल का फीचर है ना जो कि एंड्रॉइड 12 का फीचर है वो यहाँ पर ऐड किया गया है इस अपडेट के अंदर। और गूगल का फीचर है, सैमसंग का फीचर नहीं है जो कि एंड्रॉइड 12 का फीचर है। अगर आप लोग यहां पर जाते हो कैमरा एप्लीकेशन के अंदर सो अप टू 24 आवर तक कौन कौन सी ऐप ने आपका कैमरा एप्लीकेशन है ना उसको यहां पर यूज किया है पूरी हिस्ट्री है ना वो आप लोगों को यहीं पे डायरेक्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग इस पे यहाँ पर प्रेस करोगे तो आप लोग इसकी जो परमिशन है ना वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अलो आस्क और आस्क एवरी टाइम डोंट अलो, इस तरीके के आप लोगों को परमिशन के ऑप्शन है ना वहाँ पर मिल जाएंगे। और सेम तरीके का आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम है ना वहाँ पर माइक्रोफोन है उसके अंदर मिल जाएगा, जैसे कि यूट्यूब ने माइक्रोफोन है उसको यहाँ पर यूज किया है तो वो वाला आप लोगों को ऑप्शन है वहाँ पर मिल जाता है। कैमरा एप्लीकेशन का मिल जाता है और भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लोकेशन को अप टू 24 आवर तक कौन सी ऐप ने भी यहाँ पर यूज नहीं किया है इसलिए आप लोगों को इसके अंदर जो ऑप्शन है ना वहां पर शो नहीं हो रहा है। अब ये फीचर है ना वो किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो मान लो आप लोगों को कैमरा एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले तो यहां पर देखने को मिल रहा होगा इसका जो लेआउट है ना वहां पर चेंज किया गया है कैमरा एप्लीकेशन का, लेकिन आप लोगों को राइट साइड में टॉप की तरफ एक ग्रीन कलर का डॉट है ना वहां पर मिल चुका है। अगर आप लोग उसमें आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा बीइंग यूज्ड बाय कैमरा, मतलब कि कैमरा एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर खुद कैमरा एप्लीकेशन है वहां पर यूज कर रहा है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मान लो फेसबुक, जस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, फेसबुक आप लोगों को कैमरा एप्लीकेशन है ना वहां पर यूज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कैमरा लोगो बीइंग यूज्ड बाय फेसबुक। तो ये वाला सिक्योरिटी के हिसाब से एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि सैमसंग की ओर से ऐड किया गया है इस अपडेट के अंदर। और कैमरा का जो लेआउट है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है इस अपडेट के अंदर, मतलब कि इसका जो लेआउट है ना वो यहाँ पर चेंज किया गया है आप लोग समझ सकते हो। और कोई नया फीचर है वो कैमरा एप्लीकेशन है उसके अंदर ऐड नहीं किया गया है। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं और कमाल के फीचर के बारे में, तो वैसे तो आप लोगों को सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारे फीचर है ना वो यहाँ पर मिल जाते हैं, पूरे फोन के अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि विजेट्स है वो यहाँ पर नए विजेट है वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं सैमसंग की ओर से। और इसकी भी जो स्टाइल है ना लेआउट है ना वो यहाँ पर चेंज किया गया है। तो ये वाला मैं आपको बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अगर आप लोग चाहते हो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊं सो आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई सो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी सैमसंग वन यूआई अपडेट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।